शास्त्रनी बुनियादी तहलीम। बहन भाइयों प्रणाम। हमें जो कुछ तमें होबड़ हो तो शायद ही पहली चारे तमें होबड़ी वह है। आ खुश खबरी न हर एक हारू वसन से जेवला मुँह तमने ये वसन होबड़ाऊँ तेला घर ना भेड़ो भेड़ो हेली तस्वीर पर भी नजर दे दो अने सोच विचार करवा हारू तमें चेवी भी वक्त रिकॉर्डिंग रोकी है को हमें पहली तस्वीर दो। दुनिया दुनिया में पहली सिर्फ भगवान हुतो। भगवान ने धरती आसमान ठायो। दुनिया ने कोई शक्ल वो सूरत को हुती इतने भगवान ने धरती ठावी अन हुकम दीदा के उजालो ठाई जाए। पूरा सुंदर अन सब सितारा भगवान ने ठाया अन सब चीजे पर कुदरत राखी। आ तस्वीर जो तमे जो वो त्यो शास्त्र से जो भगवान नो वसन से अने तेना रास्ता ना बारे में कहवी। भगवान सब इंसाने ने प्यार करे जो हमें तमने कहवा चाहिए त्यो योद वसन से। भगवान ने कायनात ठावी सब कुछ भगवान ने ठायू। भगवान ने जो कहू त्यो सब थाई जू। भगवान ने आसमान आने समंदर ठायो आने तेना किया थी धरती वजूद में आवी। पांच सब जानदारे ने ठायो मिसाल पौनी नी मसीहे वायरा में उड़िया वाला परिंदा एवा तरीके सब भगवान ने पोते ठायो आने जो भगवान ने ठायू तेनती भगवान जोम खुश हुतो। एना करीके जो भी ठायू त्यो जोम सुठू हुतो। संत आदम माँ हवा भगवान ने पहलो आदमी आने पहली स्त्री ठावी तेने आदम आने हवा नु नाम दीधु आने भगवान ने तेने पूरी दुनिया पर राज करियानो हुकम दीधो। भगवान ने एक खूबसूरत बागीचा तेना रिहायश हर उठायो त्यों भगवान एंथी मरत आने बातें करत ते भगवान ना दोस्त होता। भगवान ने इन्हें सब जावड़ा ना फल खाए ना इजाजत दी थी पर एक लेबड़ा ने मिली शैतान नाम एक दुश्मन आयो तेने संत आदम ने माँ हवा ने भगवान ना खिलाफ उसकायो आने मना की दिलो फल खड़ायो। एवा तरीके भगवान ना खिलाफ तेने पाप कीधो आने भगवान थी तेनो नातो तूटी जो। पाहे भगवान ने संत आदम आने माँ हवा ने बागीचा मथो काढ़ियों पो त्यो वक्त थी हर इंसान पापी से भगवान थी वेगड़ो से योज वजह थी इंसान बीमारी दुख आने मौत ना सामना करे। काइन ने हाबिल संत आदम माँ हवा ना बे सिया हुतात तेना मथी एक सिया नु नाम काइन हुतुन त्यो बिल ना नाम थी भी ओरखातत आने बीजा सिया नु नाम हाबिल हुतुन। हाबिल भगवानी भक्ति करतोत आने भगवान ने खुश राखियानी कोशिश करतोत पर काइन एवो को हुतोत ने काइन ने जलन में आवी एक दी हाबिल ने पो मारियो। भगवान ने काइन ने एवा पाप की धानी सजा दी थी। भगवान इंसान ने ना पापे थी विषय बड़े भगवान इंसान ना भेड़ो से पर इंसान ना पापे ने वजह थी इंसान भगवान थी वेगड़ो से। संतनों ने बेड़ी जोम नस्लेबाज जेलवा संत आदम माँ हवानी औलाद जोम थे जिये तो इते ही तमो मनक भगवान ने को मानतोत ने इंसान ने नो पाप वध्यानी वजह थी भगवान ने दुनिया ने एक मोटा तूफान दी गर्क करियानो फैसलो की दो। पर ते मनखे में एक यू भी मनक हुतुन जो भगवान थी मोहब्बत करतुन आने तेना किया पर हेटतुन जेनु नाम नू हुतुन। भगवान ने संत नू थी केयू के एक मोटी बेड़ी था ताकि तेना में तू ने तारो खानदान तूफान थी महफूज रही है को। ये बेड़ी ठाया में काफी अरसा लाग गया। बेड़ी ठावता वक्त भगवान ने सब मनखे थी तोबो करियानो मशवरा दी दो पर इंसान ने ना तोबो की दी ना बुराई थी झूठियो। तूफान भगवान ने हर किस्म ना जनावर संत नू कन मिलियो आने संत नू है तेने बेड़ी में बिहाड़ियो। संत नू आने तेनी घरवाड़ी त्रैण सिया आने तेनी घरवाड़ी है सब बेड़ी में सवार थाई जो। जनावर ना इलावा आठ बीजो भी मनक हुतोन पाहे भगवान ने बेड़ी नू दर बंद पू कीधु आने हाथ दिए बाद भगवान ने झोम मोटो तूफान मिलियो आने धरती फाटी जी। साड़ी दिए में भगवान ने सजी दुनिया ने गरक भी की दी। बेड़ी थी जे मनक बार हुतोन तेनु बचनु नामुमकिन हुतुन सब नो सब मनक पौनी में डुबाई मरी जो। पर संत नून आने तेनु खानदान तूफान थी बची जू शेके तेने भगवान पर भरोसा की दो आने तेने तेनी हर बात मोनी। संत इब्राहिम तेनी घरवाड़ी संत सारा आने संत इसाक एक मोटा अरसा पसी एम थियूं के संत नूनी औलाद सजी बरादरी में विरावी
एनी नसल मती एक मनक जैने संत इब्राहिम भी कहतोन त्यो एक मनक हुतुन जो सिर्फ भगवान थी प्यार करतुन आने तैनी हर बात मानतुन। भगवान ने संत इब्राहिम थी वायदो गिदो के तारी नसल ने एक मोटी बरादरी में विराविश, पर संत इब्राहिम आने तैनी घरवाड़ी ने औलाद को हुतुतने, पर पाहे भी तेने भगवान ना वायदा पर भरोसा गिदो। संत इब्राहिम नी बीजी घरवाड़ी मथी औलाद हुतोन, जेना मथु एक नु नाम संत इस्माइल हुतुन। जेला संत इब्राहिम आने संत सारा झोम डोला थाई जातो तेने एक सियो थियो जेम भगवान इनकी वायदो की दिलो हुतो, तेनु नाम संत इसाक राखियो। भगवान संत इसाक आने तेने तेना औलादे ना जरिए तमाम कौमे ने बरकत दीदानो वायदो की दो। संत मूसा आने भगवान नो वसन, संत इजाक थी एक अजीम कौम पैदा थी। संत मूसा संत इजाक नी नसल मथी एक फरिश्तो हुतो, ते सिर्फ भगवान पर विश्वास राखतो अने तेनी ही राह पर हेटतो। पाए भगवान संत मूसा ने जबल पर बुलायो अने तेनो वसन कीधो, त्यो भगवान संत मूसा ने वसन जो पत्थर नी लोड़ा पर मरकुम हुती ले जबल थी हेट आयो। भगवान चाहे के तमो मनक यो वसन पर अमल करे। दो हुकम, भगवान जय हुकम संत मूसा ने दीधो ते जोम उम्दा हुतन, जो भी ये हुकम पर अमल कर है ते इन्हें भगवान नी बरकत मिलशे। जय हुकम भगवान ने दीधा ते आई से हम उन्हें सिर्फ एक भगवान थी मोहब्बत आने तेनी भक्ति करनी खपे। कोई मूरत हावजो मो ना कोई बुतनी पूजा कर जो, हफ्ता में एक दी एवो राख जो भगवान नी भक्ति आने आराम करी है को। औलाद लाजमी पोताना माँ बापू ना किया में हेडे, ना कोक ने मार जो, ना कूड़ बोल जो, ना भूल कर जो, ना धोखो दे जो, ना चोरी कर जो, ना बीजोनी मिल्कियत में नजर राख जो। पापे नो बलिदान, संत मूसा ना जमाना में अगर गुणे पाप करतू तो तेने बख्शावा हारू बाकरा नो बलिदान देनो पड़ता, जैनती बुराई करिया वाड़ा मनक नी जगतियो मरतत। एंती मनखे ने यो एहसास थातो के भगवान नो कानून तोड़िया थी भगवान विषय बढ़े। भगवान पोता नो रूहानी सियो प्रभु मसीह ने आ दुनिया में यो मकसद थी मिलियो के त्यो इंसाने ना खाती बलिदान दे है के। बचाया वाड़ो, संत मूसा ने कई सदियों बाद भगवान नो फरिश्तो कुंवारी माँ मरियम कन मिलियो, जो संत यूसुफ ने मंगेतर हुती। माँ मरियम थी कहूँ के तारा पर भगवान मेहरबान थियो अने तेना करी पोताना एक अजीम मंसूबा हारू तने मकरर की दी। तने एक सियो थाशे जेने प्रभु यसु कहवाशे, तेना पर माँ मरियम परेशान थई जी कहूँ के आ चेशी मुमकिन से, मु तो अन्या कुंवारी सु। फरिश्ताए जवाब दीधो के भगवान नी मर्जी थी एक करिश्मो जन्म लेशे जो प्रभु मसीह कहवाशे। फरिश्तो संत यूसुफ ना हुनिया में आयो आने तेने कहूँ के माँ मरियम ने पोतानी घरवाड़ी करिया थी चेड़ हट जो मो, तेना भेड़ू जो थाय त्यो भगवान नी कुदरत से त्यो एक सिया ने जन्म देशे आने तमे तेनु नाम यसु राख जो, जेनु मतलब से बचाया वाड़ो। माँ मरियम ना विवाह थाई जा पर प्रभु यसु नी पैदाइश ताई आपस में को हक अदा को किधो ने। प्रभु मसीह नो जन्म, ये दिए पसी एम थी के शाही फरमान जारी थी जेना में कहूँ जूँ के तमो मनक पोता नो नाम दर्ज करावा हारू पोता पोताना जाती शहर में जाए। माँ मरियम ने संत यूसुफ ने बेतुल अलहम नो सफर करनो हुतो, जेलवा ते त्यों पोसियो तो तेने रेवा हारू कोई जगह को मड़ी ने, तेना करी तेने जनावरे ना तबेला में रात रहियो जो त्यो जगह से जो प्रभु मसीह जन्म लीधो। तेलवा ईश्वर ना फरिश्ता धनारे पर जाहिर थिया जब धुकड़ा ही पोतानी धोरे नी रखवाड़ी वा करता, आने भगवान ना फरिश्ता कहूँ के मुँह तुम्हारे हारू एक खुशी नी खबर लायो जो शबे हारू से आज तुम्हारे लिए एक बचाए वाड़ो जन्म लेशे आने तेनु नाम यसु से। अने अचानक ही फरिश्ता ईश्वर नी तारीफ आने वखवाण करता हुआ जाहिर थिया। तेलवा धनारे एक बीजा ने कहूँ के हेडो आपड़े शब्द बेतुल अलहम हेडिये आने त्यो वाक्य जोइये जो नुमा थियो, आने जेलवा तेने प्रभु यसु ने जोयो तो एने शबे ने कहूँ के प्रभु यसु ना बारा में आने पाहे जेने भी जोयू तेने जोम हैरत थी। मसीह एक गुरु,
प्रभु मसीह माँ मरियम ने संत यूसुफ ना घरे मोटो थियो। जेलवा त्यो 12 साल नो थियो तो माँ मरियम ने संत यूसुफ तेने यरूशलेम ले जो। तेने त्योलियो रहनुमाओ आने गुरुओं थी भगवान ना बारा में बात की थी। प्रभु यीशुए एनी बातें होंबड़ी आने तेंथी सवाल पूछिया आने ते शब गुरु आने रहनमा प्रभु यीशु भगवान ना बारा में अजीम तहलीम पर हैरान थिया। जेलवा प्रभु यीशु 3 साल ना थिया तो त्यो मनखे ने भगवान ना बारा में तहलीम देवा लागियो। जो मनक तेनी तहलीम पर भरोसा राखियो आने तेनी भक्ति करवा मडियो। पर बाकी मनक तेना पर भरोसो को गिदो ने बल्कि तेना खिलाफ थाई जो। मसीना करिश्मा प्रभु यीशु कन भगवान नी तरफ थी एक झोम मोटी कुदरत होती जैन थी तेने झोम सारा करिश्मा देखाड़िया। तेने बीमारे ने शफा दी थी औंधड़ो ने औछे दी थी तेने मुर्दो ने जीवतो गिदो तेने तूफाने ने थमायो पौनी पर हेडियो। जिला मनखे यो जोयू तो झोम मनखे ने तेना पर भरोसा थाई जो के प्रभु यीशु भगवान नी तरफ थी से ते ये सब चीजें थी हैरान होतो। जो प्रभु यीशु करतोत आने बोलतोत प्रभु यीशु हमारी भी मदद करियानी कुदरत राखे। प्रभु मसीह दुखे में प्रभु मसीह झोम सारा हैरत अंगेज कौम की दो तेने झोम सारा मनखे नी मदद की दी आने तेने भगवान नी राह देखाड़ी। प्रभु यीशु हमने भगवान नी मोहब्बत देखाड़वा हारू आयो के मनक वापस भगवान ने करीब थाई जाए। बहरहाल मजहबी रहनुमा प्रभु यीशु थी झोम जलन करतो एनो दिल सखत होतो जेनी वजह थी ते यो बात मानवा को तैयार होतो ने के प्रभु यीशु भगवानी तरफ थी आयो ते यो मानवा थी इनकार करतो। वो तेने भगवान ना हुकम ने तोड़ियो अने यो कियो के प्रभु यीशु पापी से प्रभु मसीह ने बारा में कूड़ बोलियो तेने जलायो। सिपाही थी कूड़ा हिणाया तेने एक कॉटन नु ताज ठहरायो अने तेना माथा पर राख्यो तेनो मजाक उड़ाड़ियो। याद रखो के प्रभु मसीह भगवान नो सीओ हुतो तेना कन ते मनखे ने खत्म करियानी कुदरत होती पर तेने एनो मुकाबलो को किधो ने शके तेने यो अजमावतो के यो भगवान नो मनसूबो से। प्रभु मसीह नो सूली पर मरनो सिपाही प्रभु मसीह ने सूली पर कोके थी जड़ियो अने त्यो तेना पर तेज ताई लटकाई राख्यो जेस ताई त्यो मरी को जो ने। त्यो वक्त पर ये रस्म होती के कानून तोड़िया वाला ने एवी खतरनाक सजा दे बे बीजा दोही भी प्रभु यीशु भेड़ा लटकाया जेणवा के प्रभु यीशु दोही को हुतो ने हमारा पापे नी वजह थी हमने मरनु हुतुन पर प्रभु यीशु सब मनखे ना पापे ने बचकावा अरु पोते बलिदान थियो। अगर हमें पोताना पाप मोनिए अने पोताना पापे थी मुडू को मोड़िए ने तो भगवान हमने जरूर माफ कर छे। प्रभु यीशु पर भरोसा राखिए तो हमें बच्ची जाशु। प्रभु मसीह नु जीवी उठनु प्रभु मसीह ना दुश्मन सोचियो के तेने तेने मारियो पो पर एम को हुतु ने प्रभु मसीह नी सूली नी मौत ना बाद तेने तेना दोस्तें गार नुमा कबर में पोघालियत आने एक झोम मोटा बाठा थी तेनु मुडू पु ढोक्यु। बे दी गुजरिया बाद त्रीजे दी त्यो जीवी पो उठियो। कुछ स्त्रिय तोहफी नी रसम हारू गार कन जिये तो गार न बाठो हटेलो हुतो आने प्रभु यीशु नी लाश गायब हुती। तेलवा बे फरिश्ता जाहिर थिया के प्रभु यीशु न्योथी वेई जो बल्कि जीवी उठियो आने त्यो हासिलो जीवी जागतो थाई जो। तेने यो साबित पू की दू के त्यो भगवान नी तरफ थी आयो। प्रभु यीशु आज भी जीवतो से तेने शैतान आने मौत पर जीत हासिल की थी। संत तोमानो विश्वास प्रभु यीशु मुर्दो मथी जीविया पसी पोताना सेलो पर जाहिर थियो। तेने एंथी वाते की दी आने इना भेड़ो रोटलो खादो। संत तोमानोम एक सेलो एनी वात मोनिया थी इनकार वो करतो के प्रभु यीशु जीवतो से। तेने कियू जेस ताई मु एना कोका लागेला जख्मी हाथे ने हाथ लगाड़ी ना जो तेज ताणी भरोसो ना करूं। एक हफ्ता पसी प्रभु यीशु पासो पोताना शागिर्दे थी मळवा आयो आने तेलवा संत तोमा भी त्यो मौजूद हुतो। तेलवा प्रभु मसीह ने होमो लाई कलाके जोतो रहीजो आने कहवा मडियो के ए आका तोमा ने हमें तारा पर कोई शक को थी। पाए प्रभु मसीह कहियो के
तो माँ तू तो मारा पर भरोसो एना करी करे वो शे के तू मने जोई है के, पर खुश किस्मत तो ते ही मनक से जोई मने जोई नहीं है तो पाहे भी मार पर भरोसा करे। आसमान पर उपाड़ियो जो प्रभु मसीह मुर्दो मथी जीविया पसी छो मनखे पर जाहिर थियो आने तेने मनखे जोयो अने ओड़खियो के मसीह जीवतो से साड़ी दिए पसी त्यो वक्त आयो रो जो दी प्रभु यसु ने आसमान पर जानू हुतु तेने यो कौन जेना हारू त्यो आयत तेने पूरु की दू प्रभु मसीह पोता ने सेलो थी कहूं के जाओ आने तेई सजी कौम ने सेला ठावो आने तेई ने सिखाड़ो के ते ये बातें पर अमल करे जो मैं हुक्म दीता सेलो ना नजरे धके प्रभु यसु धरती थी वादड़ो में भेज जो आने एक वादड़ा चे ओझल थाई जो त्योज वक्त बे फरिश्ता जाहिर थिया आने सेलो थी कहूं के जेम तमें प्रभु यसु ने आसमान पर जातन लादो तेम त्यो वापस आवशे पर हमें त्यो आसमान पर से आने जई तेनी बातें पर अमल करे वो तेना हारू आने पोताना सेलो हारू जगा वो ठावे तमे प्रभु यसु पर विश्वास राखी आने तेनी बातें पर अमल करशो तमे भी त्यार सो तेन थी मड़वा हारू जेला ते वापस आवशे। हमें सूली खाली से प्रभु मसीह शे सूली पर जौन दी थी प्रभु मसीह तेना करी बलिदान थियो के पापिये ने पाप करतो ने बचावी है कुन प्रभु मसीह चारे कोई पाप को की धोत ने यो सूली त्यो बात ने जाहिर भी करे के प्रभु मसीह यो पाप ने हमारी लीधुरु जेनी वजह थी हमारे आने भगवान वश में दूरियां आवितरी प्रभु मसीह हमारा वास्ते बलिदान थियो जेलवा हमें प्रभु मसीह पर विश्वास करिए आने पोताना पापे ने खत्म करिए तो भगवान हमने माफ कर शे पौन प्रभु मसीह हमने भगवान सिया थाया नो हक बख्शे बाकी तस्वीरें यो हजमाया में मदद देखे के प्रभु मसीह ना सेलो ने चेशिम हेड नु खपे। बे रास्ता प्रभु मसीह हमने नेकी ना रास्ता देखा लियो पर पापी नी फितरत नी वजह थी हमारा मथी हर कोई पाप रास्ता पर हेडे हूँ तंग रास्ता भगवान आने नेकी तक पहुँचावे प्रभु मसीह केयू के हमने तंग रास्ता पर हेड नु खपे तमें आ तस्वीर में आ रास्ता ना बराबर सूली जो वो जेलवा आपने तोबो करिए आने यो विश्वास राखिए के सूली पर प्रभु यसु हमारा हारू बलिदान थियो तो हमें तंग रास्ता पर दाखिल खाइए जो हम सारो मनक पोताना पापे थी बाज नहीं आवा चाहतो तेना करी इनो सुरग में जानू जो हम मुश्किल से ते शबे आसान रास्ता पर हेड तो जा जो तबाही आने नरक तक वो जाए हमें तमे चेवा रास्ता पर हेड हो अगर हमें आपने भगवान की दुआ मांगी है तो आने एन थी कही के ए परमात्मा तू मोटो मेहरबान से मु तारा खिलाफ पाप की दो आने मने यो बात पर भरोसा से के प्रभु मसीह मने बचावा हारू बलिदान थियो ए भगवान मने माफ कर मारा पापे थी मने पवित्र कर आने पोताना सीओ में शामिल कर शे के मु प्रभु मसीह नी बातें पर विश्वास करी मौत ना पसी नेक जिंदगी पावा चाहूं ए भगवान तारो शुक्र से। भगवान ना सिया आ तस्वीर में हमें प्रभु मसीह ने जोई है किए जो हर बरादरी आने हर कौम आने हर जीवन बोलिया वाला मनखे नो आदर मान करे वो शे कहते ही एना पर विश्वास जाया भगवान ना सिया थाई चुका ते शब तंग रास्ता पर से जो सुरख हमू जाए वो भगवान ना सिया एक मोटा खानदान ना बराबर से एने अमीर या गरीब काड़ो या धोड़ो थाया थी कोई फर्क नहीं पड़ता ना आदमी ना स्त्री ना बच्चू थाए थी कोई फर्क पड़े ते शब प्रभु यसु हारू एक बराबर से। नवी पैदाइश प्रभु यसु मसीह नी जमीनी जिंदगी में नेकोदेमिस नाम एक अजीम मजहबी गुरु हुतो एक दी प्रभु यसु थी कुछ सवाल करवा हारू आया तो प्रभु मसीह तीने एक हैरान करिया वाली बात हंबड़ावी के जो भगवान ना खानदान में शामिल थावा चाहे तीने नवी पैदाइश नो तजर्बा हासिल करनो खपे जेलो हमें पैदा थाई तो माओ बापू ना खानदान में शामिल थे जाइए हमें भगवान ना खानदान में शामिल थाइए जेलो हमें बिजी वाला जन्म लिए पहलो जन्म तो हमारी रूहानी पैदाइश रहे जो हमने प्रभु यसु पर विश्वास लाया थी मड़े आने ये रूहानी जिंदगी में हमने नवी जिंदगी भगवान देड़ावे आने त्यो बिल्कुल यसु मसीनी तरानी जिंदगी से जो हमने तेना पर विश्वास करिया थी मड़े जेनी वजह थी हमें
नौ मनक ठाई जाई है, मतलब भगवान नौ मनक ठाई जाई है। भगवान ने पवित्र आत्मा प्रभु मसीह आसमान पर जाया पहली पोताना शागरिदे थी वायदो की धोके त्यो भगवान ने पवित्र आत्मा में तमारथी मिलशे। पाए प्रभु मसीह आसमान पर जाया न दो दी थाया पसी तेना शागरिद सब एक जगह जमा होता जेम तमने यो तस्वीर में लेवाए हूँ। अचानक एक तेज वायरा जेवी आवाज आवी आने वादे ना शोले न जेवी बोली शागरिद पर जाहिर थी आने ते सब भगवान ने पवित्र आत्मा थी भराई जो जेम प्रभु मसीह वायदो की देलो हुतो जोम सारी बरादरी नौ मनक आवेलो हुतो शागरिदे ने एनी पोतानी बोली में वाद की धानी ताकत मड़ी आने ते ने भगवान हैरत अंगेज कौमे ने ब्यौन की दो जेनी वजह थी 3000 मनखे यो दी भगवान पर यकीन करवा मडियो। आज भगवान हर त्यो मनक भेड़ो मौजूद से जो सच्चा दिल थी प्रभु मसीह ना केला रास्ता पर हेड है। भगवान ने आत्मा हमारी तेला मदद करशे जेलवा हमें प्रभु मसीह नी वाते ने मौनशू आने बीजो ने भी एना बारा में केशू। अध्याय में है दिए एन थी पहली अगर कोई मनक प्रभु मसीह पर ईमान रू लावे तेनी हालत आ तस्वीर में यम मनक जेवी से जो अधारा में है डेम त्यो ठोकर खाए आने चारे भी पटकाई है के शेके कौन लेवावा हारू कोई अधियु नहीं रहतू। जिलवा हमें प्रभु मसीह पर ईमान लानी है तो हमें तेई मनक चाहिए जे पूरा अध्याय में है डे तेने खबर से के त्यो चौवो जाए त्यो कोई मुश्किल रास्ता पर भी नहीं हेटतो। प्रभु मसीह कहे के दुनिया नु अध्यु मुँह सो अगर मारा केला रास्ता पर हेड हो तो तारीखी पर नहीं हेडतो त्यो पोतानी पवित्र आत्मा ना वसीले थी आई शबे ना पोतानो अध्या हासिल करे जो एनो चेलो से आने त्यो ईमान राखिया वाड़ो ने पवित्र आत्मा बख्शे तेई सीधी राह पर हेडे। नवो इंसान प्रभु मसीह पर ईमान राखिया वाड़ो नवो इंसान से त्यो खुशी थी भगवान ना कलम पर अमल करवा चाहे त्यो भगवान नो शुक्र गुजार करे भगवान तेने माफ की दो आने तेने नवी जिंदगी बख्शे। त्यो एवो कोई कौम नहीं करवा चाहता जैन थी भगवान नाराज था प्रभु मसीह पर ईमान लाया वाड़ो ना जनाई वे ना वाद करिया वाड़ो में ना सुलटाई करिया वाड़ो में ना कोई बुतनी पूजा करिया वाड़ो में पवित्र आत्मा प्रभु मसीह पोताना चेलो ने ये कुदरत बख्शिश है के त्यो बुराई थी बेगड़ो रहे अने नेकी ने अख्तियार करे। मसीह खानदान अगर कोई खानदान हकीकत में प्रभु मसीह नीतेक राखे तो तेना में आदमी पोतानी घरवाड़ी थी मोहब्बत करे आने घरवाड़ी पोताना आदमी नी इज्जत करे जो त्योस कलोम से जो खानदान में दरस से आदमी आने घरवाड़ी एक बीजानी मदद करे आने एक बीजानी हौसला वधारे ते पोतानो औलादे ने सिखाड़े के ते भगवान ना हुक्म ने पालन करे जो खानदान भगवान इज्जत करे इनो सब घर नो भाती कौम आने भक्ति पाबंदी थी करे। दुश्मने थी मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह पोताना शागरिदे ने तैलीम दी थी के ते शबे थी मोहब्बत करे बल्कि हमने तो पोतानो दुश्मने थी भी मोहब्बत करनी खपे। प्रभु मसीह एक एवा इंसान ने कहानी हमड़ावी जो सफर वो करतो आने तेना पर डाकुए हमलो की दो तेने झोम मारियो त्यो रास्ता थी एक बीजी बरादरी नो मनक मोजातो जेने तेने जख्मी आने बुरी हालत में लाधो तेने तेनी मरहम पट्टी की दी आने पोताना गधा पर सवार करी एक एवी जगह ले जो जो तेनो मुकम्मल इलाज करी है के तेनी देखभाल में जई मुश्किलें आवी तेने सब बर्दाश्त की थी। प्रभु मसीह कहूं के एवी रीते हमने भी जरूरतमंद ना कौम आवनु खपे आने हमने सबे थी मोहब्बत करनी खपे पाहे भले त्यो चेवी भी मजहब नो वे चेवी भी नस्ल नो वे। प्रभु यीशु मसीह की कुदरत आ तस्वीर मनक पोताना बुते आने पूजा नो शेमोने ने बाड़े मु पहली तो तेई मनक ते शैतोने नी पूजा करतो पर हमें प्रभु मसीह ने भक्ति करे प्रभु मसीह नो चेलो ने चेवी भी सूरत में बुरी आत्मा नी तपस्या करनी खपे ने। प्रभु मसीह शैतोने थी वधिक ताकतवर से प्रभु मसीह ना चेलो ने हर त्योसीज थी बचनू खपे जो तेने शैतोन आने बुरी आत्मा थी जोड़े प्रभु मसीह हमने आई शब बुराई थी बचावशे अगर आपने एन थी फरियाद करी।
भूते ने निकाड़ियो। एक दफा ना जिक्र से के एक मनक जोम सारा भूते में बौधेलू हुतु। एना में एटलो ताकतवर भूतों के तेई रस्सी लोड़ा ने जंजीरें भी तोड़िया भी करता। प्रभु मसीह ये भूते ने हुक्म दीदो के यो मनक मथी निकरो आने त्यो वक्त त्यो निकरी जो आने त्यो मनक भूते थी आजाद थाई जो। तेने पोतानो शब अजीजे ने कहियो के प्रभु मसीह तेना पर जोम मोटी मेहरबानी की दी। प्रभु मसीह तेना इलावा जोम सारा मनखे ने जिन्हें आने भूते थी बचायो। शैतान ने हर बुरी आत्मा ने प्रभु मसीह ने हर बात माननी पड़ती। मुमकिन से तेलवा जेलवा तमें प्रभु मसीह ना चेला सो तो भी शैतानी आत्मा आपकी जिंदगी में दाखिल ना थई है। याद रखो के तमें भगवान ना चेला सो। शैतानी आपकी जिंदगी में कोई जगह को थी। शैतान नो मुकाबला करो आने यीशु नो नाम ले झिड़की तेने वेगड़ो करो। प्रभु थी ताकत आने हुकमत मांगो। एना भेड़ो भेड़ो प्रभु मसीह थी वधिक चेलो हारू भी फरियाद करो। जेलवा तमें प्रभु मसीह नी भक्ति करशो तो एनी ताकत तमने राहत देशे आने तमने शैतान नुकसान ना पहुंचावी है के। आजमाइश भगवान सियो ने आजमाया नी कोशिश करे त्यो इने प्रभु मसीह नी भक्ति करिया थी रोके। शैतान प्रभु मसीह ना चेलो ने दौलत सुठो लिबास तमाकू नशो शराब आने गैर इखलाकी रहन सहन थी आजमावे। त्यो हमारा जहन में यो बात बेहाड़िया नी कोशिश करे के ये सब चीजें खुश राखी है के। पर शैतान तो कूड़ो से त्यो हमने धोखो देवो भगवान थी वेगड़ो करे वो। भगवान थी फरियाद करो के त्यो हमने हर आजमाइश में मजबूत रियानी ताकत दे है के। श्री प्रभु मसीह पर भरोसा करो अने एनी भक्ति करो। अगर कोई पाप हु करे तो प्रभु मसीह एक कहानी नजरिए यो बात हजमावी के एक नौजवान पोतानो घर मेली चौं वेगड़ो वेजो आने जोम सारो पापे में फसाई जो। जो त्यो आयाश आने गंदा ख्याल इंसान थाई जो आने पोताना बापूनी सजी दौलत ऐश वो आयाशी में लुटावी। त्योज वक्त ये जोम गरीब थाई जो आने भूख थी तड़पवा मडियो। एक दी तेने याद आयु के तेने पोताना बापू आने भगवान ना खिलाफ सख्त पाप की दो। त्यो पोताना किया पर शर्मिंदो हुतो अने पोताना बापू गन जो। एनो बापू एन जोई जोम खुश थियो। एनो बापू एन थी जोम मोहब्बत करतो पाहे त्यो भले ही नाफरमान आने पापी हुतो। पोताना सिया ने वापसी लाई जोम खुश हुतो आने तेना पोताना सिया ने माफ पोगी दो। अगर हमार थी चारे कोई पाप थाय जाए तो हमने सच्चा दिल थी शर्मिंदा थानु खपे। भगवान हमने त्योज वक्त माफ कर शे आने यो कहानी में जेम बापिये पोताना सिया ने अपनायो तेम भगवान भी हमने अपनाव है। प्रभु मसीह के यूं के अगर एक पापी पोताना पापे थी तो वो करे तो आसमान पर मोटो जशन था। बीमारी भगवान नो मनखे ने बीमारी नी हालत में हूँ करनू खपे। सब थी बेहतर बात यो से के तेने भगवान पर भरोसा करे आने तेन थी दुआ मोगे। भगवान हमारी मोहब्बत करे तेना करी जो चीज हमारा खिलाफ थाए भी तेने पोताना काबू में रखे। प्रभु मसीह बीमारी में हमने आराम आने तसली देवा हारू हमारा भेड़ो से। मौत आ तस्वीर में मनक पोतानी रस्में मुताबिक मुर्दों ने दफनावे मो। एक दिन हमने शबे ने भी मरनो पाहे हमारा भेड़ो हूँ था शे। भगवान ना कलों में लिखेलू से के जिलवा कोई प्रभु मसीह ना चेलो मरशे तो सीधो आसमान पर जाशे। मसीह ना चेलो माइतर आने संगती दोस्त एनी मौत पर गम ज्यादा तो था शे पर यो गम देर ताई नहीं रहतु। हमने मौत थी खौफ खाया नी जरूरत को थी। भगवान हमार थी प्यार करे एने हमने पाप आने बुरी मौत ही बचावशे। जेई मनक प्रभु मसीह पर विश्वास रातों तेना कन भगवान थी सुठी कोई उम्मीद नहीं रहती आने भगवान नकलों में यो लिखेलू सके एवं मनक सजा यानी नरक में जाशे। थोड़ो सोचो के तमे क्यों जाशो मरिया पसी। प्रभु मसीह महाराज हमारा जिस्म न हर एक अंग नो मकसद से जैम के औछे जोवा हारू कौन हो बड़वा हारू मुडू बोलवा हारू आने खावा हारू
जिसम नो तमाम अंग मिली कौम करे। अगर एक अंग बीमार थे जाए या जख्मी थे जाए तो सजा बदन में तकलीफ महसूस थे। प्रभु मसीह नो चेलो एक जिसम नो अंग से जो प्रभु मसीह यो जिसम में सतर यानी माथानी हैसियत रखे। भगवान कन हर एक हारू अलग अलग कौम से मिसाली तौर पर खलक नो तमाम मनक भगवान ने खुश रखवा आने एक बीजानी खिदमत हारू हरदम त्यार रहनो खपे। बरादरी भक्ति प्रभु मसीह ना चेला रोजानी भक्ति हारू भेड़ा था तर एनी जो वजह होती के भक्ति ना कलम पर गौर थी है के प्रभु मसीह पोता ना चेलो थी के यूं के मारी मौत ने याद रख जो आ तस्वीर में तमें ईमानदारी ने खातो पीतो ने जोई है को रोटलो प्रभु मसीह ना बदन नी निशानी से जो सिली पर तोड़ेलो से शरबत एनी यो पिए यो पवित्र प्रभु नु खून यानी लोहिनी शरबत से जो इन्हें पापे आने मौत थी बचाया हारू से एवा तरीके शरबत जो इन्हें पापे आने मौत थी बचाया हारू बहावियों एवा तरीके हमने भी भेड़ो थाई प्रभु मसीनी मौत ने याद रखनी खपे। ये भक्ति प्रभु मसीनी आखरे तक जारी रख जो। प्रभु मसीह एक दी प्रभु मसीह आसमान थी धरती पर आवशे जेम तेने पोतानो चेलो थी वायदो की देलो से यो अचानक आवशे जे ईमानदार मरीजों ते वापस जीवतो थाशे आने ते जीवतो रे जशन में शामिल थाई जाशे ते सब प्रभु मसीह ना आदरमान करशे पाहे ते हमेशा प्रभु मसीह ना भेड़ा सुरग में रह जाशे गैर ईमानदार ते जमीन नो थाई जाशे आने ते भगवान नी अदालत नो सामनो करशे। पर हमने खबर को थी के भगवान चारे आवशे हर दम त्यार रहनो खपे। अगर आज प्रभु रो आवे तो हमें त्यार चाहिए। फलदार जिंदगी आ तस्वीर में जई जावड़ों से तई झोम फलदार से जेलवा हमें प्रभु मसीह नी भक्ति करिए तो भगवान नी आत्मा हमने फलदार ठावे। भगवान नो कलम हमने कहवो के भक्ति नी आत्मा नो फल मोहब्बत खुशी शांति मेहरबानी नेकी वफादारी आने बर्दाश्त से प्रभु मसीह के यूं के मुँह अंगूर नी वेल सु आने तमें मारी दाढ़िये सो। अगर तमें मारा में रहशो आने मुँह तमारा में तो पाहे झोम फलदार रहशू। मरेली शाखें फल नहीं देती हैं एने तोड़ी बाड़िये पी। प्रभु मसीह पोतानो चेलो थी के यूं के ते यो फल लियावे एन थी भगवान ने खुशी आने बीजों ने मदद मिले। गवाही प्रभु मसीह पोताना चेलो थी कहियो के ते बीजो मनखे ने भी प्रभु मसीह ना बारा में के जो कोई प्रभु मसीह पर ईमान राखशे त्यो पाप मौत आने सजा थी महफूज रहशे। अगर तमे प्रभु मसीह ना चेला सो तो तमे एवी खुशखबरी ने हजमावा हारू बीजा नी मदद करो। पवित्र आत्मा तमने ताकत बख्शे के तमे खुशखबरी हारू जीवो आने एना हारू बोलो। आ तस्वीर किताब मथी या आ रिकॉर्डिंग मथी जो कुछ तमें शिखाणो के बीजों ने कहो एवा तरीके जो मनक भक्त